नमस्ते फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का तो आज के जो वीडियो है ना इसमें मैं बहुत सारे होम हैक्स एंड डीआईवाई आइडियाज़ बताने जा रही हूँ दोनों ही चीज़ें घर और किचन से रिलेटेड हैं और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूं जिससे कि आप लोगों को बार बार नहीं देखना पड़े वीडियो और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच रखा था कि करूंगी करूंगी लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं आप लोगों को सारी वीडियोस देती रहूं और आप लोग देखते रहें त्यौहार तो सब आने ही वाले हैं और ऐसे में आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत आइडियाज़ काम कर जाएँ अपने घर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने अभी पिछले वीडियो में पिछले के पिछले वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि पर्दे पुराने पर्दे का क्या यूज कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज आइडियाज मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं आप लोग मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको जब बहुत सारा मिलेगा तो अभी जो लेटेस्ट मैंने रीयूज आइडिया दिखाया ना वो बहुत ही काम के हैं और आप करके देखेंगे तो सच में बहुत फ़ायदा मिलेगा तो उसमें जो मैंने बताया ना कि पीछे आप कोई और कर्टन लगा लें आप उसके बदले ना कोई साड़ी वारी जो भी पुरानी हो चादर पुरानी हो उसको भी आप काट करके लगा सकते हैं पीछे की साइड से और आपका खर्चा बहुत बचेगा क्योंकि आजकल शीयर कर्टन लगाने का बहुत फैशन हो गया है लेकिन अगर आप इस तरीके से कर्टन लगाते हैं तो यकीन मानिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है जिनका घर ऐसे सन फेसिंग है ना उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है तो चलिए आज जो हैक्स पहला हैक्स शुरू करने जा रही हूँ तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि वो जो किचन रोल जो होते हैं उसका जो पीछे वाला मतलब जो लास्ट का बच जाता है ना रोल डब्बा और उसको काट के मैंने रखे थे तो उसको मैंने यूज वैसे मुझे पर्दे के रॉड मिल करना था लेकिन मैं वो नहीं करके एक और आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोग देखिए और वो क्या है और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ बस इसे शेयर कर दीजिए मन करके और आंख बंद करके साथ में लाइक ज़रूर किया कीजिए लाइक जितना करेंगे वीडियो उतनी ही दूर तक जाएगी और शेयर कर देंगे तो सबको पता चलेगा फैमिली फ्रेंड्स और अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया पे हैं तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो मेरे साथ ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है कि मैं वीडियोज़ कहाँ बनाऊँ क्योंकि मैंने प्रॉपर कोई ऐसा अपने लिए कोई आ, मतलब वर्क प्ले, प्लेस नहीं बनाया हुआ है लेकिन फिर भी कहीं कहीं बना के फिर मैं काम करती हूँ फिर उस जगह को हटा देती हूँ तो आज मैंने ये टेबल अपने बेड के साथ लगा लिया कि जिससे मुझे दो तीन चीज़ें एक साथ करने को मिले एक तो सामने रोशनी बहुत अच्छी आ रही है और साथ में मुझे ये चलाना है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसको स्विच नहीं मिलता रहता है मुझे जहाँ पे टेबल लगाती हूँ वहाँ स्विच नहीं मिलता है जहाँ स्विच मिलता है वहाँ टेबल नहीं लग पाती है और चलिए शुरू करते हैं तो इसको मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये काट के रखे थे इस तरीके से था ये तो इसको मैंने तीन तीन बना काट दिए थे और इसको मैंने बीस से भी कट कर दिया है देखिए कुछ इस तरीके से तो अब इसे मैं बनाती हूँ देख सकते हैं कि क्या बनाती हूँ नज़दीक आ जाइए तो देखिए ये तो मेरे पास है पांच है एक दो और कहीं पे रखे हैं मैंने तीन काटे थे तो जो मजबूत होगा ना उसी का बनाएंगे और मेरे पास एक बहुत पुरानी लेस पड़ी है देख सकते हैं बॉर्डर काफ़ी अच्छी है इसकी इसको ना मैंने लगा के एक साड़ी बनाई थी वो साड़ी तो पता नहीं किसी को मैंने दे दी पर ये बॉर्डर मैंने रख लिया था तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बॉर्डर है ये और एक ज़रूरत पड़ेगी आपको इस तरह का रिवन जो होता है ना वो उसका ये रिबन तो वैसे भी मिल जाता है या फिर आपके गिफ्ट रैप में कई बार आ जाते हैं ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास थी ये वाली तो मैंने इसका यूज़ कर लिया तो सबसे पहले तो ना हमें इसको ना चिपकाना है इसके ऊपर तो देखिए यहाँ से चिपकाना शुरू करेंगे ठीक है थोड़ा सा अंदर भी कर देंगे क्योंकि चौड़ा है ये तो यहाँ से करते हुए मैं ऐसे कर देती हूँ के साथ मैंने चार बनाने हैं तो मैं चार कट कर लेती हूँ पहले ही सकते हैं ऐसे करके और ये मैं सारे में ही लगा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देख सकते हैं मैंने ये सारे के सारे बना लिए हैं चार बने पांच बने एक्चुअली और जितनी मुझे जरूरत थी उतने बन गए और अब ये लेस बचा भी नहीं है तो चार के चार तैयार हो गए अब आपको पता है क्या करना है तो चलिए ये जो है ना वैसे तो ये डोरी है इसको आप अंदर भी चिपका सकते हैं लेकिन अगर आप ऊपर से भी ऐसे करके बांध देंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से इसको आपको फोल्ड कर लेना है अब इसको ये जो मैंने बनाया है इसको हम इसके अंदर वैसे तो ऐसे भी आप छोड़ देंगे तो ये कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि Uh, मतलब ये कहीं खुल जाएगा या कुछ होगा वैसे एकदम ये टाइट है तो आप ऐसे कुछ इस तरीके का डोरी लेके और इसको आप पीछे या आगे बांध दीजिए ये एकदम टाइट रहेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा तो इसे आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं और किसी और को भी दिखा सकते हैं वीडियो को अगर किसी को ज़रूरत होगी कि अगर बाहर से नहीं कुछ खरीदना है तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं मुझे लगता है मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे तो लगते हैं पर पता नहीं क्यों आप लोग शेयर नहीं करते शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पहले तो आप पर्दे को ना कुछ इस तरीके से प्लीट्स बना लें जो तो पीछे वाला पर्दा है ना उसको छोड़ दें आगे वाले का सिर्फ बनाना है आपको सिर्फ आगे आगे की जो है ना उसकी आप प्लीट्स बना लें इस तरीके से उसके बाद जो मैंने ये होल्डर बनाया है कितना सुंदर लग रहा है देखिए एक तो ये गोल्डन कलर है और ये मेरा पीला है मतलब ये भी गोल्डन पीला ही है और बस इसको आप कुछ इस तरीके से रिबन से टाई कर दीजिए हो गया ना बेकार सामान से एक बहुत ही अच्छा और त्योहारों पे भी ये बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि ये गोल्डन गोल्डन सा है ना तो जब भी कोई चीज़ यूज़ कीजिए अभी इन महीनों में मतलब इन त्योहार के दिनों में तो आप कुछ इस तरीके का थोड़ा सा चमक दमक वाली चीज़ें थोड़ी सी ग्लोसी थोड़ी सी सिल्वर या गोल्डन टच वाली चीज़ें यूज़ कीजिए तो देखिए मैंने तो लगा दिए बहुत सुंदर लग रहे हैं आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा तो चलिए आज का दूसरा डी मैं करने जा रही हूँ मेरे पास पड़ी है एक दुपट्टा जिसको मैंने पहले ही काट के एक कोई डी आई मैंने किया हुआ था आप लोगों को अगर याद हो तो मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था ना वो पर्दे वाला वीडियो वायरल हुआ था और वो आ, इसी में से मैंने उसे काट करके लगाया था तो वही दुपट्टा आधा पड़ा हुआ है और मेरे पास है ये एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रेम आजकल जो लेटेस्ट फ्रेम आ रहे हैं ना जो बहुत ही लचीले से होते हैं वो नहीं है ये तकरीबन 20-25 साल सालों पुराना वाला फ्रेम है जिसपे मैं पहले एम्ब्रॉयडरी करती थी पर अब मेरा इंटरेस्ट इतना रहा नहीं बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में तो चलिए ये फ्रेम ना काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है इसका कलर भी ख़राब हो गया है और मैं इसका यूज भी नहीं कर रही हूँ तो सोचा कुछ ट्रेंडी सा चीज़ बना ले और मैंने देखा है इंस्टा पर ये बहुत सुंदर सुंदर लोग बनाते हैं इसको और मैंने होम टाउन भी देखा है लेटेस्ट में ये सेम फोटो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम जो है ना इसके साथ बहुत सुंदर सा एक वॉल डेकोर तो चलिए आज मैं वही वॉल डेकोर कर रही हूँ थोड़ा सा फ़र्क होगा सेम तो नहीं बनाऊँगी अपनी आ, क्या कहते हैं ना अपनी क्रिएटिविटी से अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पर ये जो दुपट्टा है ना बहुत ही सुंदर है इसका जो मतलब आ, दिखाई देता है ना जैसे पीछे की साइड से भी विजुअल है थोड़ा सा तो ये इसकी वजह से ना इसमें बहुत सारा आ, कलर आ रहा है वैसे मैंने इसके सोचा था कि कुछ लाइनिंग वगैरह लगा के और कोई टेबल का ऊपर कवर रनर वगैरह बना लूँ पर फिर मुझे लगा कि चलो मैं यही बना लेती हूँ तो चलिए इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है पहले ही और एकदम टाइट कर दिया है और एक्स्ट्रा जो है ना उसे मैंने काट दिया है काटने के बाद भी इसे हम पहले ना लगाएंगे मतलब इसको फिक्स करेंगे तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको सिर्फ एक इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा आपको काटना है जिससे आप इसे अगर चिपकाना चाहते हैं तो वो अच्छे से चिपक जाए नहीं तो क्या होगा ना कि थोड़ा सा निकला निकला सा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा आगे से देखने में तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से इसको काट लूँ मतलब सेप में काट लूँ और सेप में मेरे से कोई भी चीज़ होती नहीं है वो आप लोगों को पता ही है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ तो देखिए मैंने काट लिया फाइनली और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर ये तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन हाँ चलिए इसको कुछ करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है अडेसिव जो चिपकाने वाला होता है फेविकोल तो उसी से मैं चिपका रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल है इस पर अगर कोई चीज़ आप चिपकाते हैं ना तो यकीन मानिए हटेगा नहीं और मैं जैसे हॉट ग्लू से चिपकाती हूँ ना तो कई बार वो कपड़ों पे क्या होता है कि गरम गरम लगता है ना तो हाथ थोड़े से कई बार जल भी जाते हैं तो मैं इसी से चिपका लेती हूँ मुझे ये ज़्यादा सही लगता है इसमें भी सेम ही चीज़ होता है लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि होता है तो इसे ना कपड़े को देखिए अंदर की साइड से मैंने जो हमारा रिंग है उस पर मैंने ये फेविकोल लगाया और उस पर क्विक फिक्स टाइप का है ये तो इस पर चिपका दिया और कपड़े को धीरे धीरे करके मैंने मोड़ के और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी बस फिनिशिंग करना है और थोड़ी देर के लिए इसको आप छोड़ दीजिए जिससे कि अच्छे से सूख जाए क्योंकि कई बार ये अगर गीला रहता है ना तो निकल भी जाता है जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा उधर से निकला हुआ है अब मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है और ये अब इतना बढ़िया लग रहा है लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर कमी लग रही है मुझे वो है इसका ओल्ड फ्रेम जो है ना वो तो इस फ्रेम को मैं सोच रही हूँ कि कुछ कलर कर दूँ तो मेरे पास ऐसा कोई वुडन कलर नहीं है तो मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ और गोल्डन कलर मेरे पास था तो मैंने कहा इसके ऊपर अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये वाइट है तो इसके ऊपर मैच भी कर जाएगा देखिए ये वाला कलर है मेरे पास तो शायद आप लोग के पास हो तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं आप चाहें तो दूसरा कलर भी कर सकते हैं ये अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है आ, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना फ्रेम है दुपट्टा है तो आप इससे ये चीज़ बना सकते हैं तो इसमें बस दो ही चीज़ें लगती है ज़्यादा कुछ लगता नहीं है कलर तो सबके घर में होता ही है और थोड़ा सा भी अगर आपको हॉबी है कलर वगैरह करने की तो ये इसमें बड़ा मजा आता है कलर करने में मुझे बहुत मज़ा मज़ा आता है और चलिए इसको फटाफट से मैं चारों तरफ से गोल्डन कलर कर देती हूँ और कलर करते ही देखिए कितना सुंदर लगने लग गया अब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस पर कुछ भी नहीं करूं लेकिन थोड़ा डेकोरेट कर देती हूं क्योंकि वॉल डेकोर है तो आजकल जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं तो थोड़ा सा चमक दमक रहता है तो अच्छा लगता है चलिए मैंने चारों तरफ से अच्छे से दोबारा से भी कोट कर दिया है जिससे कि कहीं से भी दिखे नहीं और अब ये बहुत सुंदर लग रहा है तो इसके बाद जो हमें करना है ना आप लोग बताइएगा कि मैंने इस पर जो कुछ और एम्ब्रॉइडरी की है या कुछ भी किया है वो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आप उसमें भी मुझे बता सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ना गोल्डन कलर के सिक्के जैसे आ, कुछ है आ, ये मेरे सूट में लगा हुआ था तो मैंने उसको आजकल मैं में ही निकाला था मुझे इतना पसंद नहीं आया था तो बस सामने ही पड़ा था तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसको ही लगा लेते हैं और मैं ज़्यादातर जैसे मुझे सामने में कोई चीज़ मिल जाती है ना मैं उसी से कोशिश करती हूँ कि कुछ बढ़िया सा कुछ बना लिया जाए तो चलिए पहले इसको फिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर मैंने ना दो तीन कुंदे बनाए हैं वो ऊन के तो दो मैंने रेड बनाए हैं और एक येलो बनाया है तो इसमें क्या है ना कि आप चाहे तो कोई भी कलर लें आप चाहे तो ऊन के ही थोड़ी सी जैसे रस्सियों जैसे बुन के और इसको लटका भी सकते हैं पर मैंने लटकाया नहीं इस पर बस तीन चिपका दिए और ये बहुत ही सुंदर लगने लग गया चलिए चल के आपको दिखाते हैं कि वॉल पर कैसा लग रहा है ये और मैंने अपने बेटी के रूम के लिए बनाया है अभी मैं फ़िलहाल सामने ही टांग देती हूँ अपने ही रूम में और देख के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है सिंपल और सोबर सा वॉल डेकोर है लेकिन बहुत ही यूजफुल है साथ में ये हुआ कि ये जो हमारा पुराना फ्रेम है ना जो ऐसे ही लटका रहता था तो उसका मैंने यूज़ कर लिया और दुपट्टे का भी तो है ना बढ़िया डी आ, मतलब ये आइडिया आप लोगों के पास भी होगा अगर होगा तो ज़रूर बताइएगा और अगर इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा चलिए ये वाला जो डी हो चुका है अब तीसरा एक आपके आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आ, एक ऐसा डी जो कि सबके घर में तकरीबन होते ही हैं इस टाइप के डब्बे तो कल परसों ही मैंने एक मलेठी मंगवाई थी और साथ में एक और चीज़ थी वो डब्बा मुझे नहीं रहा मुझे याद नहीं है तो ये जो है ना दो डब्बे पड़े थे तो देखिए अक्सर हाँ हम क्या करते हैं एक एक डब्बे का कुछ बनाते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से दो डब्बों को जोड़ करके कुछ बनाते हैं ना तो बहुत ही मतलब मजबूत भी हो जाता है और सही रहता है तो हमें बिना मेहनत किए दो कार्टन के गत्ते को कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको कुछ नहीं करना उसके ऊपर से जो खुलने वाला जो ढक्कन होता है ना उसको आपको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देना है जिससे कि वो फिक्स हो जाए आप चाहें तो उसे किसी भी फेविकोल वगैरह से चिपका सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे ही फिक्स कर देंगे तो भी रहेगा एक पुराना मेरा चादर वाला कपड़ा है जो कि आप सामने बेड पे देख ही चुके हैं कई बार मैंने पीलो कवर और कुशन कवर बनाया था तो इसमें से थोड़ा सा कपड़ा मेरा बच गया था तो बस इसी का मैं इसके ऊपर से कवर लगाऊंगी आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो या दुपट्टा हो या चादर बेडशीट वगैरह कुछ भी पुराना हो आप उससे काट करके आ, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हमारे घर में कितने सारे पुराने कपड़े होते हैं जिनको हम बिना यूज़ किए फेंकते हैं और वो सड़कों पे धूल मिट्टी खाता रहता है और वो अच्छी बात नहीं होती है तो आप कुछ इस तरीके से इसे चिपका लें और मैं इसे भी फेव फे से ही चिपका रही हूँ और चिपकाने के बाद इसका जो यूज है ना वो आपको मैं बताऊँगी इतना बढ़िया यूज इसका मैंने किया और ये देखिए इस इस तरफ से ना पीछे की साइड से इसको कुछ इस तरीके से आप बंद कर दीजिए और डबल लेयर लगा दीजिए देखिए अब ये डब्बा बिल्कुल ही तैयार है और मैं बहुत ही थोड़ी सी झटपट वाले काम कर रही हूँ चाकू से इसके अंदर छेद कर रही हूँ आपके पास अगर टांगने वाला कोई ऑल पेन हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो उससे भी आप लगा करके टांग सकते हैं मैंने छेद कर दिया है बस तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मेरे हस्बैंड के ना जैसे वो बोर्ड वाले जो पेन होते हैं वो है क्योंकि वो टीचर हैं तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये ब्लैक बोर्ड को जो ऐसे होता है ना पेंसिल हटाने के लिए क्या बोलते हैं उसको रब करते हैं मैं भूल गई हूँ तो वो है तो वो ढूंढते रहते हैं कहीं पर कुछ रखा जाता है कहीं पर कुछ रखा जाता है तो मैंने इकट्ठे ही सारे पेन पेंसिल और जो स्केच पेन है वो रख दिया है और चलिए इसको अब हम टांग के आपको दिखाते हैं तो देखिए सामने मेरे हस्बैंड का वाइट बोर्ड जो होता है ना वो रखा हुआ है और उसके ऊपर जो पेन चलाते हैं ना वो थोड़ा अलग टाइप का पेन आता है तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने उनके सामने ही रख दिया क्योंकि कैमरा भी सामने ही मतलब लाइट वगैरह रखी हुई है एक और आपको हैक्स बता रही हूँ किचन हैक्स है ये मेरे घर में कल परसों एक गिफ्ट आया था जिसमें ना शीशियाँ थी और सीशिए को कवर करने के लिए कुछ इस टाइप के ना घास के बने हुए चीज़ें थी अब मुझे इसको फेंकने में बड़ा अजीब लग रहा था मुझे ऐसे लग रहा था इसका कुछ तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों का यूज करना बहुत ही मुझे अच्छा भी लगता है और कमाल की आइडियाज़ भी आते हैं और एक जो ऊपर जो कवर देख रहे हैं वो है सब्जी वगैरह जैसे आती है ना तो उसके ऊपर जो जाली लगी होती है ना नेट वो तो मैंने इस घास को क्या किया इसके अंदर फिक्स कर दिया अब इस घास को क्या बोलते हैं वो आप लोग बताइएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में नहीं जानती और देखिए इसे मैंने बना दिया ब्रश मतलब जो बर्तन माँजने के लिए जो हम ब्रश यूज़ करते हैं वो और यकीन मानिए मैंने गीला करके आपके सामने इसका बस आ, डेमो दे रही हूँ क्योंकि मैंने सर्फ नहीं लगाया है पर ये इतना बढ़िया काम किया मैंने इसे बर्तन माँज के देखा ये पानी से गीला होता है तो सॉफ़्ट हो जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल ही फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है जब पानी निकल जाएगा तो देखिए है ना मस्त आइडिया मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय